फ्रेंड्स, अगर आप भी 10,000 प्राइस रेंज के नीचे एक ऐसा स्मार्टफोन देख रहे हैं जिसमें कि आपको प्यारी सी डिस्प्ले मिले, धांसू परफॉर्मेंस मिले और कमाल की कैमरा क्वालिटी मिले, तो आपको ये वीडियो जरूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे टॉप 5 फोन्स का लिस्ट बनाया है जिनमें कि आपको बहुत ही कमाल की स्पेक्स देखने को मिल जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक बोनस स्मार्टफोन भी लेके आए हैं जिसमें कि आपको हर एक स्पेक्स बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। इस लिस्ट में 5th नंबर पर हमारा स्मार्टफोन है Realme C11। ये अभी Realme की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुआ लेटेस्ट स्मार्टफोन है। अगर बात करें इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में आपको MediaTek Helio G35 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो आप इस स्मार्टफोन में PUBG जैसा गेम बड़ी आसानी से खेल पाएंगे। अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज के बारे में, तो ये फोन में आपको मार्केट में 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 13MP का प्राइमरी लेंस और 2MP का डेप्थ एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको वाटरफॉल नॉच के साथ 5MP का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो इस फोन में आपको 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी विद 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में 7,499 रुपए की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए जो भी एक बढ़िया बैटरी और गेमिंग के लिए 10,000 की प्राइस रेंज में एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। इस लिस्ट में 4th नंबर पर हमारा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M01। इस फोन में आपको 5.7 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इस फोन में आपको किसी भी फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो कि बस इसके लिए एक डाउन पॉइंट वाली बात है। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 439 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन का एक बहुत ही कमाल का मिड रेंज प्रोसेसर है। अगर बात करें इस फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो ये फोन आपको मार्केट में 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 13MP का प्राइमरी लेंस और 2MP का डेप्थ एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको वाटरफॉल नॉच के साथ 5MP का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो इस फोन में आपको 4000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का सपोर्ट दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में 8,998 रुपए की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए है जो कि 10,000 की प्राइस रेंज में एक सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस लिस्ट के 3rd नंबर के हमारे स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है Realme Narzo 10A। इस फोन में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इस डिस्प्ले पर आपको Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इस फोन में भी आपको पीछे रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको MediaTek Helio G70 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि MediaTek का एक बहुत ही कमाल का गेमिंग मिड रेंज प्रोसेसर है। तो आप इस स्मार्टफोन में भी आराम से PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई परफॉर्मिंग गेम भी बड़ी ही आसानी से खेल पाएंगे। अगर बात करें इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में, तो ये स्मार्टफोन आपको मार्केट में 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इस फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की ओर। तो इस स्मार्टफोन में आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 12MP का प्राइमरी लेंस, 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। इस फोन में भी आपको वाटरफॉल नॉच के साथ 5MP का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी विद 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर जो इसका बेस वेरिएंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला, वो आपको इंडियन मार्केट में 8,999 रुपए की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फोन उनके लिए जो भी यहाँ पर एक गेमिंग के लिए 10,000 की प्राइस रेंज में स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही कमाल का एक MediaTek का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इस लिस्ट में 2nd नंबर पर हमारा स्मार्टफोन है Infinix Hot 9 Pro। इस फोन में आपको 6.6 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इस फोन में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में आपको MediaTek Helio P22 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि MediaTek का एक बहुत ही कमाल का मिड रेंज प्रोसेसर है। अगर बात करें इस फोन की रैम और स्टोरेज के बारे में, तो ये फोन आपको मार्केट में 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 2MP का डेप्थ एंगल लेंस, 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको 8MP का AI सेल्फी कैमरा विद लेफ्ट साइड पंचोल के साथ देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो इस फोन में आपको 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का सपोर्ट दिया गया है।
तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। तो जो उसका बेस वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला, वो आपको इंडियन मार्केट में 10,499 रुपए की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी एक नॉर्मल यूज के लिए और एक बढ़िया कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, वो इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस लिस्ट के फर्स्ट नंबर के हमारे स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है ओप्पो A12। इस फोन में आपको 6.2 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इस फोन में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो P35 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में, तो ये फोन आपको मार्केट में 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। तो चलिए आप चलते हैं इस फोन के कैमरे डिपार्टमेंट की ओर। तो इस फोन में आपको पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 13MP का प्राइमरी लेंस और 2MP का डेफ्थ एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। इस फोन में भी आपको वाटरफॉल नोच के साथ 5MP का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो इस फोन में आपको 4230mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। तो जो उसका बेस वेरिएंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला, वो आपको इंडियन मार्केट में 9,990 रुपए की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिनके पास भी 10,000 तक का बजट है और यहाँ पर एक ओप्पो की ब्रांडिंग वाला एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और एक नॉर्मल यूज के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के हमारे बोनस स्मार्टफोन के बारे में, जिसका कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस लिस्ट में हमारा बोनस स्मार्टफोन है Redmi 9 Prime। इस फोन में आपको सारी स्पेक्स बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है और ये अभी Xiaomi की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुआ लेटेस्ट स्मार्टफोन है। अगर बात करें इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में आपको 6.53 इंच की Full HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। हाँ फ्रेंड्स, आपको 10,000 के नीचे एक Full HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इस फोन में आपको Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। इस फोन में अभी आपको पीछे रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। इस फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि मीडियाटेक का एक बहुत ही कमाल का गेमिंग प्रोसेसर है। अगर बात करें इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में, तो ये स्मार्टफोन आपको मार्केट में 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के दो वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरे डिपार्टमेंट के बारे में। तो इस फोन में आपको पीछे क्वेड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। हाँ फ्रेंड्स, इस फोन में आपको पीछे क्वेड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन की सबसे अच्छी खास बात है, जिसमें कि आपको 13MP का प्राइमरी लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5MP का मैक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको 8MP का AI सेल्फी कैमरा विद वाटरफॉल नॉच के साथ देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो इस फोन में आपको 5020mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें बैटरी के साथ साथ एक अच्छा फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। तो जो उसका बेस वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला, वो आपको इंडियन मार्केट में 9,999 रुपए की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास 10,000 तक का बजट है और अगर आप मेरे से पूछें कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, आपको डेफिनेटली 10,000 की प्राइस रेंज में इस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको हर एक स्पेक्स 10,000 की प्राइस रेंज में कमाल की देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये थे हमारे बेस्ट 5 स्मार्टफोन अंडर 10,000। फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इस पूरी लिस्ट में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया या फिर आप किसको परचेज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यदि आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।